शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ला फटाफट। ये रोटी तो हम खाएं। पापा जी तल्ले आते तो ये मैं तेनु दे देता। अब तो ये रोटी मंगल को दे दी। दे दी तो दे दी। मंगल को देनी है तो पहले हमसे दंगल होगा। लाले दी जान, मैं दंगल करने नहीं, मैं तो पापी पेट भरने आया हूँ। और फिर एक रोटी के लिए क्या झगड़ा करना हा? हमारी सरकार भी तो यही कहती है कि अनाज कम है, मिलजुल कर खा लो, आदि तुम आदि हम। वाह वाह वाह, क्या बात है। हम आधा काम कोई नहीं करते बच्चे, जो करते हैं पूरा करते हैं। लाले दी जान, काम तो हमने भी आज तक कोई आधा नहीं किया। भूखे लगते हो इसलिए तो आदि दे रहा था। खाएंगे तो बेटे से हम ही, इरादे के पक्के हैं। पूछ ले इस लौंडे से। मंगल बापे, ये रोटी से खा लेने दे। तू घर चल, मैं तेनों गर्मा गर्म रोटी खिलाना। लाले, अब तो मामला यही काफी गर्म हो गया है। बाजार का मामला घर में नहीं, अब बाजार में ही तय होगा। अब तो बात इज्जत की है। रोटी मैंने पहले मांगी थी, सो मैं खाऊंगा। हिम्मत है? बता दूं? बताओ। ये रोटी 20 सड़क में रख दो। आप 10 कदम पीछे चले जाओ, 10 कदम मैं पीछे चले जाता हूँ। जो पहले छीन लेगा रोटी उसकी। रख देते हैं। लाले लाले, ठहर ठहर। रोटी के लिए झगड़ा और रोटी ही सड़क पर। इज्जत दे रोटी को लाले, बाद में तुम मैंने ही खानी है। किसने खानी है अभी पता चल जाएगा। मेम साहब हमारे साथ आगे बैठेगा। What? मेम साहब तुम्हारे साथ आगे बैठेगा? अरे तुम कैसा बात करता है? तुमको कैसे मालूम कि हमारे साथ कोई मेम साहब है? इसका वास्ते कि हमारा दो आंख आगे है, दो आंख पीछे है, समझा? You rascal, Rita, ये वही rascal है जो तुमको उठा के ले जा रहा था। नहीं नहीं, वो हम नहीं, वो हमारा भाई है। वो क्या करता है, वो खूबसूरत लड़की को हाथ में उठा के लेके जाता है, हम तांगे में बिठा के लेके जाते हैं। अरे तुम झूठ बोलता है। हम झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलेगा तू मर जाएगा। That's better. अरे क्या, हमारा शक्ल इतना मिलता है, कभी कभी पुलिस भी धोखा खा जाता है।
वो क्या है, जितनी बार वो जुर्म करता है उतनी बार हम पकड़ा जाता है। 6 बार हम खून किया, 10 बार उसको फांसी का सजा हो गया। डेंजरस मैन रीटा, ऐसे आदमी के साथ तांगे में जाना चाहिए क्या? तो फिर हम शहर कैसे पहुंचेंगे? आई नो इट्स अ ट्रेजेडी। ठीक है, तुम्हारा शर्त मंजूर है। तुमको हमारा शर्त मंजूर है क्या? तुम पीछू बैठेगा, मेम साहब हमारे साथ आगे बैठेगा। अरे इम्पॉसिबल, हम और हमारा मेम साहब हम दोनों पीछे बैठेगा। ऐसा टाइम नहीं, दूसरे टांगा ढूंढो। ओके, हमको मंजूर है रीटा, डोंट बॉदर, आई एम ऑलवेज विद यू। तुम हमारा मौके का फायदा उठाता है। फायदा नहीं उठाते साहब, वो हमारा घोड़ा है ना, बड़ा नाजुक किस्म का है, शायरों के खानदान से ताल्लुक रखता है। वो जब गाड़ी चलता है ना तो उसको आदत है बार बार मुंडी घुमा के पीछे देखने का। और आज मेम साहब को देखेगा, इनका ये कमल जैसा बड़ा बड़ा आंख, बादल जैसा काला काला बाल, एकदम देख के पागल हो जाएगा। और जब तुम्हारा चौकता देखेगा ना, क्या मतलब, हम खूबसूरत नहीं है? Am I not handsome, Rita? साहब इतना, अभी तो हमारा घोड़ा सिर्फ तुम्हारा आवाज सुना, और जब गलती से तुम्हारा चौकता देख लेगा ना तो गुस्से से पागल हो जाएगा और लात मार मार के हमारे टांगे की ऐसी की तैसी कर देगा, समझा? I'm sorry। चलो बैठो, चलो चलो, ये लो घास। थैंक यू। घास क्यों देता है? Am I a horse? Donkey? Stupid? चलिए मैम साहब। सुनो एक बात बता, आप टांगा क्यों चला रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि आप स्की गाइड हैं। इसके अलावा बहुत कुछ हूँ मैम साहब, इतने रूप है मेरे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। अच्छा? दरअसल मालिक ने हमारी मट्टी को स्पेशल किस्म की बनाई है कि जिस सांचे में ढालो वही रूप धारण कर लेता है। अगर टांग में बिठा दो तो टांगे वाला बन जाता हूँ, अगर हवाई जहाज में बिठा दो तो पायलट बन जाता हूँ, मस्जिद में मुल्ला, मंदिर में पंडित, और अगर दिल में बिठा दो, अगर दिल में बिठा दो तो दिल वाला। ये बहुत बड़े एम्बेसडर हमारे होटल में आ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, सब इंतजाम ठीक है ना? यस सर, सिक्योरिटी, सीआईडी, पुलिस सब चारों तरफ लगी हुई है, दुनिया का बड़े से बड़ा चोर भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। थैंक यू। Heartiest welcome, Your Excellency has graced our hotel. We will try our best to serve Your Excellency. Welcome, sir. बंदा हाजिर है। आओ तुम। लिफ्ट मैन। लिफ्ट क्यों बंद हो गई? वजन ज्यादा हो गया ना? 10 आदमियों की लिफ्ट है और 3 आदमियों से वजन बढ़ गया। वजन 3 आदमियों से ज्यादा नहीं हुआ, वजन ये 3 लाख के हीरों से हुआ, इसलिए तो कम करने आया हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, स्माइल। व्हाट नॉनसेंस, माय डायमंड्स। सोचा तुम मुसीबत में होगी और तुम्हारे माँ बाप भी आने वाले हैं। चलो वो तो आप ही कहें। वेरी गुड, फॉरन मिलवा दो। लेकिन मैं कैसे मिलवा दूँ? क्यों? पति से तो उन्हें मैं मिलवा चुकी हूँ। पति तो मैं तुम्हारा किसे? आप ही ने तो कहा था कि किराए का पति ले आओ। वो तो कहा था। अच्छा बाबा, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। लेकिन मैं पति वापस नहीं ले सकती। मैंने दीपू के भाई, सॉरी, मैंने सुधा के भाई दीपू को पति कहकर मिलवा भी दिया। कोई बात है, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर पिताजी पूछेंगे आप कौन है तो मैं क्या कहूँ? जा, इतना झूठ बोले, एक झूठ और बोल देना। कौन बदतमीज है इतने जोर से बोल रहा है? ओ, ये वही नौकर है जिसका तुझे इंतजार था। नौकर वही तो है। वही तो नौकर है। भाई वाह, तू तो कोई फिल्मी हीरो लगता है। ये लंबे लंबे बाल, पजामे नवा पतलून, ये प्रिया ये नौकर। शहर के नौकर ऐसे ही होते हैं। शहर के नौकर ऐसे होते हैं जी। घर का काम काज जानता है? क्या काम?
ये मेरे दामाद का घर है। किसका घर? मेरे दामाद का। बहुत बड़ा घर है, झाड़ू कटका मार के इसे एकदम साफ रखना पड़ेगा। और तेरा सर मसाला पीसना, कपड़े धोना, बर्तन बांधना, यही घर के काम होते हैं। ये सब तुम्हें समझाने पड़ेंगे क्या? पिताजी ये सब समझते हैं। समझते हैं? समझता है। बहुत अच्छा आदमी है। मैट्रिक पास। मैट्रिक पास ही, बीए पास। क्या सत्यानाश किया है डिग्री का? अबे ओ कोलू के बैल, तुझे कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी? पिताजी ये तो इसकी टेम्परेरी नौकरी है, दूसरी पक्की है। आप जाएंगे तो ये अपने पुराने काम पर आ जाएगा। पुराने काम पे आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी पहली नौकरी छोड़कर आया है? नहीं नहीं, वो अर्जी भेजी है, मंजूर हो गई है। जैसे ही पुराना आदमी जाएगा मैं उसकी जगह ले लूंगा सेठ जी। हाँ पिताजी। मगर तू इसके बारे में इतना कैसे जानती है? पिताजी ये जब पहली बार काम मांगने आया था तो मुझे सब कुछ बता के गया था। क्यों बता के गए थे ना? आपको मेरी कौन सी बात मालूम नहीं? अरे आप, अगर इस घर में रहना है तो नौकर बनकर रहना पड़ेगा। ये हीरो कट नहीं चलेगा और ये हिप्पी टाइप की ड्रेस में नहीं चलेगी। जाओ नौकरों के कपड़े पहन कर आओ। जी 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 सर जी। अरे जाओ ना, जा जा जा। पढ़ा लिखा नौकर बातें बहुत करता है। बना लिया। देखो ना, तुम्हारे प्यार ने मुझे पेंटर से बावर्ची बना दिया। ऐसा बोलो, अगर मेरा कहा माना होता तो ये सब क्यों होता? अच्छा हुआ तुम्हें ये सजा मिली। कल्पना, ठीक तरह से पकड़ो ना, ऐसे नहीं। हाँ, अरे इसे तो चमचा पकड़ा नहीं आता, ये खाना क्या पकाएगा? क्यों रे? क्या करूँ माता जी, ये सारी मुसीबत मेरी बीवी की नाटक की वजह से हो रही है ना। तुम्हारी बीवी नाटक में काम करती है? मेरे नाटक में बीवी काम करती है। क्या मेरा मतलब है, नाटक का नया नया शौक है ना, करने दो। अच्छा अपना काम कर। कल्पना तू बाहर चल। अरे सारा काम तू करेगी तो ये मुंह क्या करेगा? चल आ जा। देखो आटा ऊपर रखा है, गून लेना। सुनो सुनो, तुम्हारी माँ बहुत गुस्से वाली। कल्पना आ ना, आई ना। नौकर रखो तो मुसीबत, नहीं रखो तो मुसीबत। अरे क्या तोड़ा? अरे सत्यानाशी, ये क्या कर दिया? अनाड़ी तुझे तो बिल्कुल काम नहीं आता। क्या हुआ क्या है? ये देखो क्या किया इसने। कौन है ये? नौकर। अब ये भी रखा है इसने। क्यों बे? ये नुकसान कौन करेगा? हाथ नहीं लगा रहा। जाने दो ना, नुकसान तो आदमी से होता है। हाँ बीबी जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। देखो ध्यान से काम किया करो। हाँ ध्यान से काम करूंगा। चलो चलो। क्या बदतमीजी है? माफ करना साहब, मैं ये पूछना चाहता था कि आप खाना क्या बजे खाएंगे। तो ये कोई पूछने का तरीका है? क्या करते हैं आजकल के? पूछो बात कैसे करता है। पहले तू काम काम करता था, खड़े में कहां से पकड़ लाई हो इसे? देखो आजकल आदमी कहां मिलते हैं, ये भी तो बड़ी मुश्किल से मिला। बड़ी मुश्किल से मिला था। रंजीत कुमार है ना, उसके लिए रास्ता ब्लॉक कर दो। आइए। हाँ सड़क पार कीजिए। गाड़ी नहीं लाया आप? हाँ गाड़ी नहीं लाया आप? गाड़ी यहाँ कैसे आती? गाड़ी तो मैं स्टेशन पर छोड़ा। अच्छा अच्छा जाइए। अच्छा गुड इवनिंग सर, ऊपर जाइए। ऊपर जाओ। हाँ हाँ सब लोग आ चुके हैं, सिर्फ आप ही की कमी थी। मेरी कमी थी? हाँ। किस लिए? बाजा बजाने के लिए। बाजा बजाने के लिए। अभी जाते हैं। आजा आजा आजा। रेडी रेडी रेडी। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, 100 साल की होगी। माफ करना बाबा, छुट्टा नहीं है। अरे इधर तो आइए, बताओ क्या खर्च हुआ है इन कपड़ों पर? इन कपड़ों पे खर्च तो दादाजी ने किया था, लेकिन माँ बतला रही थी कि उस जमाने में चांदी के पूरे 2 रुपए खर्च हुए थे। 2 रुपए? हाँ। गणेश शंकर, जय हो महाराज की जय हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। महाराज आप तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी नहीं,
आनंद स्वामी। लेकिन महाराज मंदिर छोड़ के यहाँ? ये भी तो एक मंदिर है, वो भगवान का, ये धनवान का। आओ, तुम्हें मंदिर के दूसरे पुजारियों के दर्शन करवाऊं। हाँ करवाइए करवाइए रंजीत बाबू। हाँ बोला बोले शंकर। सबने मिलकर स्कीम बनाई, आइसक्रीम बनाई है। अरे छोड़ो यार, कुछ दिनों में वो लोग शहर में दंगा करने वाले हैं, तो 2-3 रोज के लिए शहर बंद रहेगा। मौका अच्छा है, अनाज और घास लेट को गोदाम में बंद कर लें। दंगे के दिनों में चौगने मोल बिकेगा, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिल जाओ। हाँ। नहीं, 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 ये तो पाप है। अरे पापी तो दंगा करने वाले हैं। ये फालतू का शरबत है ना? सोमरस शराब। हाँ। छोड़ो भी एक्टिंग, गड़बड़ डाम। माँ कसम बहुत बुरी थी। हाँ, डार्लिंग। भोला। हेलो डार्लिंग। भोला। अरे 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 भाई जी, हाथ तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे। ओहो, अब आया लोगों का ख्याल? उस वक्त नहीं आया था जब मेरी बाहों में बाहें और आंखों में आंखें डालकर प्यार के दावे क्या करते थे। दावे? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कोई प्यार के दावे नहीं किए, ना ही मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली है। अरे मेरी आंखें कोई सुरमा है जो आपकी आंखों में डाल दूं? हाँ। मजाक मत करो, धोखा दे के भोले बनते हो। बनता नहीं, इसलिए तो इस परिस्थान में फंस गया हूँ। फंस तो मैं गई थी तुम्हारी मीठी मीठी बातों में, जो तुम्हें अपने अरमानों के साथ खेलने दिया। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने झूठे मक्कार। ज्यादा पटर पटर मत करो, जब मुझे गुस्सा आता है माँ कसम तो पकड़ चुटिया बाहर निकालो। अरे भाई जी, भाई जी मेरी बात बात। मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया जी। माँ कसम वो तो अपने आप मेरे हाथ में आ गई थी। हाँ सब कुछ समझ गया। किसी से कहना मत जी, मैं तो यूं ही आ गया। इधर आओ। हाँ। तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम कौन हो? अजी मैं तो कहते कहते थक गया, लेकिन मेरे कोई सुनता ही नहीं। ये लोग सब समझते हैं कि मैं रंजीत कुमार हूँ। आखिर ये गदा रंजीत कुमार है कौन? तुम। मैं? हाँ भलाई इसी में है कि चुपचाप बने रंजीत कुमार और देखते जाओ तमाशा, कहीं सच बोलकर खुद न बन जाना तमाशा। मगर मगर आप तो जानते हैं ना कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जानता हूँ, ये झूठ का बाजार है भोलेनाथ। यहाँ की हर चीज झूठी है, झूठे लोग, झूठे चेहरे, झूठी परियां। तुम लोग क्या चाहते हैं? उस जमीन में दफनाना चाहता हूँ जिस जमीन पर तुम लोग हुकूमत कर रहे हो। मर्सी मैडम, क्या इन्होंने भैया पर गोली चलाने का हुक्म देते वक्त रहम किया था? ये सोचा था कि मेरी भाभी बेवा हो जाएगी, मुन्नी यतीम हो जाएगी। अगर तुम मर्द के बच्चा है, हमको भी रिवॉल्वर दो, इक्वल फाइट। जब तुमने गोली चलाने का हुक्म दिया था तो उन बेचारे हिंदुस्तानियों को कौन से हथियार दिए थे? मरने से पहले बोलो इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद, दम लेते के इंकलाब जिंदाबाद। Who is Rajesh? I say, who is Rajesh? Arrest him! Arrest him at any cost! कोई नहीं है राजेश,
ये गिरफ्तार क्यों नहीं होता? क्या करें, हम हमेशा उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी बदकिस्मती हुजूर की हमेशा वो भाग निकल जाता है। अरे ये तो चाचा को पूछो, 25,000 का इनाम। भाग ही भाग, चाचा को काहे का इनाम मिल रहा है? देश के वास्ते लड़ेगा। तो फिर हम भी देश के वास्ते लड़ेंगे, मगर चाचा से हमारी कुट्टी। क्यों, कितने महीने हो गए हमसे मिलने न आए, अब हम चाचा से ना ही बोलेंगे। तू तो खफा ना रही चाचा से, अब आए देर ना भाई, तो चढ़ गई गोदी में। अब क्या करेंगे उसे चाचा? अरे हम तो गए रहे अपनी मुन्नी के वास्ते एक तो अच्छा सा दुल्हा ढूंढने। दुल्हा मिला? अला क्या हाल चाल है? अब हाल चाल कहाँ रह गए भैया, काम में भी आना जाना बंद किए है। उनका तो ब्याह हो वाला है, बड़ी धूमधाम। नापाक कदम हटने के बाद जो पहला गुलाब खिलेगा उसमें तेरे लहू की लाली, तेरे बचपन की खुशबू होगी मम्मी।
कश्मीर शायद आप आत्महत्या के इरादे से आई थी हा? लेकिन तुम कौन हो? मैं स्कीइंग इलाके का गाइड हूँ। जब भी कोई बेवकूफ जान देने की कोशिश करता है तो मैं उन्हें अक्सर बचा लिया करता हूँ। तो ऐसे इलाके में कम से कम एक खतरे का बोर्ड लगाना चाहिए। जियो मैडम बहुत खूब। ऊपर वाले ने आपको 10-10 कैंडल की दो दो आंखें दी हैं। अगर उसका इस्तेमाल कर लेती तो आपको बोर्ड भी दिखाई दे पड़ता। कहाँ है बोर्ड? आप बोर्ड देखना चाहेंगे? यस। आइए। अभी अभी तो बोर्ड था, काटा किसने? लगता अभी अभी काटा गया है। मैं आपको तो नहीं जानता मगर इतना जरूर जानता हूँ कोई आपकी जान के पीछे पड़ा हो। मेरी जान के पीछे? मगर क्यों? हाँ, ये इस बोर्ड को काट कर आपको खत्म करना चाहता था। बता देना मेरा फर्ज है, बाकी आप जाने। इतना याद रखना कि ऐसी खतरनाक जगहों से अपने आप को दूर रखिए। अगर वक्त से पहले मर गई तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और आपकी आत्मा कश्मीर की वादियों में भटकती रहेगी। चलता हूँ। सुनिए। अब क्या हुआ? सुनिए, मेरे पाँव में मोच आ गई है। शुक्र कीजिए कि पाँव में मोच आई। अगर मैं ना आता तो आपकी गर्दन में मोच आ गई होती। ओ सुनिए, अगर आप बुरा ना माने तो आप ही मुझे उठा कर ले चलिए ना। पहाड़ के नीचे कुछ मजदूर मिल जाएंगे तो उन्हें ऊपर भेज दूंगा, उठा के ले जाएंगे आपको। और नहीं मिले तो? तो राम नाम सत्य है। सुनिए, ओ सुनिए प्लीज, हम क्या करेगा इधर, प्लीज। अरे ओ सुनिए ना। अरे सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह सुन रहा हूँ। आइए सत्यन साहब, पर्ची उठाओ और कर दो साड़ी तकदीर ना फैसला। ये क्या है? तुम्हारा बड़ा बुरी आदत है, हर बात का सवाल पूछता है। अच्छा बाबा, सवाल नहीं पूछते लेकिन है क्या? तो ठीक है, अभी पर्ची तो निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। बीरबल शहीद होने वाला बकरा नंबर 8 है और इसने अपनी आंखों से शहीद होते हुए 7 बकरा देखा। लेकिन ये चक्कर क्या है? कॉलेज में एक नई मुसीबत आई है जिसका नाम है लड़की। अरे लड़की नहीं, एकदम आफत 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 से फूटने वाला बम। अरे वाह, बताओगे आखिर है कौन? अरे लॉन्ग कट से काय को जाता है, इधर से जाने दिख रहा, जल्दी मिला जल्दी। रुलाक बिरबल, या अल्लाह खैर। अंजा जिंदा वापस आना। सोने हो साढ़े नाल पिक्चर चलोगे? कमाल है, फर्स्ट ईयर की छोकरी और ये हिम्मत? अगर तेरे में हिम्मत है तो आगे बढ़कर तोड़ देने उसकी हिम्मत। मैं 9 नंबर में तेरे नाम लिख देता हूँ। बच्चे बोल दिखा, अगर 24 घंटे के अंदर मैंने इस पंछी को अपने हाथों से दाना नहीं खिलाया तो मेरा नाम भी सत्य नहीं। अरे अवतार, ये खटारा किधर से उठा कर लाया? अपनी किस्मत के कबाड़ खाने से। पंडिकड़ा, इसका करेगा क्या? बाबा जी, रमेश को तो मैंने कामकाज पे लगा दिया है, अब मुझे चिंता है तो सिर्फ चंदर की। उसे मैनेजमेंट का कोर्स करवाना है, वो मैं करवा के छोड़ूंगा। ये मेरी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान है। पंडिकड़ा, इसका तो अक्का हड्डी पसली टूटेला है। इसकी हड्डी पसली मैं अपने पसीने से जोड़ूंगा, इसमें जान डालूंगा, ब्रांड न्यू बनाकर मार्केट में हाथों हाथ बेच दूंगा। बाबा जी बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए, इस गैराज में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, दिन में आपका काम करूंगा, रात में अपना। अरे तो मना किसने किया है, शौक से करने दिख रहा। Yeah.
है।